करते हैं पार्ट टू। ए माइनस बी प्लस ए बी फर्स्ट एक्सप्रेशन है, बी माइनस सी प्लस बी सी सेकेंड है, और सी माइनस ए प्लस ए सी आपका थर्ड एक्सप्रेशन है। ठीक, तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसको इसके साथ ऐड करूंगा, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड करूंगा। ठीक है ना, तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, फर्स्ट टू एक्सप्रेशन को, इन दोनों को। चलो पहले इन दोनों को करते हैं, हर तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक, तो ये क्या लिखा है, देखिए ये लिखा आपका ए माइनस बी और प्लस ए बी। ठीक, अब इसको ऐड करना है b माइनस सी प्लस बी सी के साथ, सो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। देखो ये वाला b, b लिखा है, b के आगे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, है ना, तो प्लस का b कहाँ आएगा, माइनस b के नीचे, ये लीजिए। अब माइनस का c कहाँ आएगा, क्या ऊपर कहीं c दिख रहा है, नहीं, तो माइनस का c शिफ्ट करके लिख देंगे। फिर प्लस का bc कहाँ आएगा, क्या ऊपर कहीं bc दिख रहा है, नहीं, तो प्लस का bc हम शिफ्ट करके लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, बस आगे पीछे लिखा है, प्लस भी हमने यहाँ लिखा, ठीक है, माइनस सी यहाँ लिखा, प्लस बी सी यहाँ लिखा। ठीक, नाउ अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे प्लस लिखेंगे, मतलब कि ये वाले एक्सप्रेशन को इसके साथ ऐड कर रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड वाले के साथ हम ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, ये वाला ए ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का ए बी ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे, और माइनस सी ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, और प्लस बी सी ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे। ठीक, तो ये जो आंसर आया है ये इन दोनों का एडिशन है। अब इन दोनों का एडिशन जो भी आया इसको हम क्या करेंगे, थर्ड वाले के साथ ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो, सो ए प्लस ए बी माइनस सी और प्लस बी सी, अब इसके साथ इसको ऐड करो, तो क्या लिखा है, देखो सी लिखा है, तो ये वाला सी के आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है, तो ये आएगा किसके नीचे, माइनस सी के नीचे। फिर माइनस ए, माइनस ए कहाँ आएगा, ये वाले ए के नीचे। ठीक, और प्लस ए सी लिखा है, तो ए सी कहाँ आ जाएगा, क्या ऊपर ए सी दिखाई पड़ रहा है, नहीं, तो प्लस का ए सी थोड़ा सा शिफ्ट करके हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे आगे। ठीक है ना, आप देख सकते हो, आप ये ए है, ए के आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है, प्लस माइनस, माइनस कट जाएगा, ए बी कैसा है, पॉजिटिव है, सो प्लस ए बी ऐसे आ जाएगा, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, प्लस का बी सी, प्लस का बी सी और प्लस का ए सी, करेक्ट। सो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका आंसर है। कहीं कहीं आप देखोगे ऐसे भी लिखा रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को सी ए लिख दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, क्योंकि ए सी का मतलब ए इंटू सी और सी ए का मतलब सी इंटू ए, तो ए सी को सी ए भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिखो, चाहे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखो, बात क्या है, सेम। ठीक, एक तो ये हो गया, अब डायरेक्ट, और डायरेक्ट का मतलब तीनों इतना कॉपी करो, कॉपी करो पहले, इतना फटाफट कर लिया, चलो अब तीनों को एक साथ ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तीनों एक्सप्रेशन को एक साथ ऐड करना है, वो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, और फिर एक और मेथड बताऊंगा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, सो सारे मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन यहां पर ना हो। चलिए पहले इसको कॉपी कर लेंगे, यानी कि a माइनस बी और प्लस ए बी। अब सेकेंड एक्सप्रेशन देखो क्या लिखा है, बी माइनस सी प्लस बी सी, बी कहाँ आएगा, क्या ऊपर b दिखाई पड़ रहा है, यस b, और b के आगे प्लस लगा देंगे, क्योंकि b के आगे क्या है, प्लस है। फिर माइनस सी, क्या ऊपर माइनस सी दिखाई पड़ रहा है, नहीं, यहाँ शिफ्ट करके लिख देंगे, प्लस बी सी, बी सी कहाँ आएगा, प्लस बी सी, शिफ्ट करके लिख दिया, और एक साइन यहाँ पे डाला प्लस का, क्यों, इसको इसमें ऐड कर रहे हैं। अब थर्ड एक्सप्रेशन भी इसी के नीचे कॉपी कर लो, थर्ड एक्सप्रेशन में ये क्या लिखा है, सी, सी के आगे कुछ नहीं, प्लस, तो प्लस सी, माइनस सी के नीचे आएगा, माइनस ए कहाँ आएगा, माइनस ए कहाँ आएगा बच्चों, माइनस के ए कहाँ आएगा, ये वाला माइनस ए कहाँ आएगा, ये देखिए ये वाला जो ए है ना यहाँ पे, ये ऐसे लिखता हूँ थोड़ा साफ साफ, ठीक, सो ये वाला प्लस बी ये रहा, ठीक है ना, ये वाला माइनस सी ये रहा, ये बी सी ये रहा, फिर यहाँ प्लस का सी, माइनस सी के नीचे लिखा, माइनस का ए, ये वाले ए के नीचे आएगा यहाँ पे, ये वाले ए के नीचे, माइनस का ए, ठीक, उसके बाद प्लस का ए सी, ठीक है, तो ए सी को थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखेंगे, प्लस का ए सी, ठीक, फिर से एक प्लस लगाएंगे यहाँ पे, और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब देखो ये वाला क्या है, प्लस का ए, इसको मत देखो, ये वाले प्लस को मत देखो, उसको मत देखो आप, ठीक, वो प्लस क्यों लगाया, मतलब ये वाले को इसमें ऐड किया है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड किया, इसलिए लगाया, ठीक है ना, ये प्लस का ए, ये माइनस का ए कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, यहाँ पे प्लस ए बी, आगे प्लस आना चाहिए, प्लस का साइन तो लगाते नहीं है, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस का बी सी, फिर प्लस का ए सी बच गया, बस खत्म, तो ये आपका आंसर हो गया, ए बी और प्लस बी सी और प्लस ए सी, या सी ए लिख दो। अब आपको हम बताते हैं क्या एकदम से डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे, मतलब ये रो वन रो टू रो थ्री बना के नहीं करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ठीक है, चलो चलिए
क्या करेंगे? सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है, ओके ठीक। सो ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस सेकंड एक्सप्रेशन कॉपी करो, बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस थर्ड एक्सप्रेशन कॉपी करो, सी माइनस ए और प्लस ए सी, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही ओपन कर दो क्योंकि आगे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है, तो प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा, ए माइनस बी और प्लस ए बी, और यहां से देखो प्लस से ब्रैकेट ओपन करते हैं, कोई साइन चेंज नहीं होता है, प्लस 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 बी प्लस माइनस माइनस सी प्लस 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 बी सी नाउ प्लस 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 सी प्लस माइनस माइनस ए और प्लस 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 ए सी, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब ध्यान दे बच्चों, यहां पे लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास लाओ, ये ए है ठीक, ये माइनस ए आ गया पास पास, ये ए था ये माइनस ए था, उसके बाद ये माइनस बी है ये प्लस बी है, उसके बाद ये माइनस सी है और ये प्लस सी है, ये भी हो गया। अब क्या क्या बचा, जो जो बचा इसको कॉपी कर दो, ए बी और प्लस बी सी, ए बी हो गया प्लस बी सी हो गया और प्लस ए सी हो गया, ठीक। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ए प्लस का माइनस का कट जाएगा, माइनस का बी प्लस का भी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, और आपके पास क्या बचा फाइनली, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, ए बी का आगे प्लस है जो कि लिखा नहीं जाता है, तो ये रहा आपका आंसर, ओके स्टूडेंट्स। अब कहीं ये मत बोल देना कि ए सी के आगे प्लस है तो प्लस नहीं लिखेंगे, तब तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बी सी ए सी नहीं, यहाँ पे लगेगा प्लस, ओके यहाँ पे लगेगा। कॉपी करिए,